स्किन भी कभी ऑयली होती है, ड्राई होती है, कभी बहुत गंदी हो जाती है, पल्यूटेड होती है, एंड डस्ट पार्टिकल्स, कई बार पल्यूशन आपके पोर्स में क्लॉग हो जाता है। एंड अब इस सिचुएशन में इंसान क्या करे? एंड ऐसा नहीं है कि रोज ही हमारी स्किन सेम होती है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, और कुछ प्रोडक्ट्स कभी कभी सूट कर जाते हैं, वेयर एज सेम प्रोडक्ट्स कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं। तो हाउ दिस ऑल वर्क्स? सो टू मेक एवरीथिंग सिंपल, सिंपली होता सिर्फ ये है कि आपकी स्किन डेली या कुछ कुछ टाइम में चेंज होती है, एंड उस चेंज के साथ साथ वो फिजिकली से ज्यादा इंटरनली चेंज होती है, विच मीन्स कि आपकी स्किन रोज थोड़ी थोड़ी बदलती है। नाउ व्हाट दिस हैपेंस, हाउ दिस वर्क्स? तो कभी स्किन ड्राई हो गई, ऑयली हो गई, तो आपका प्रोडक्ट्स कैसे स्विच करें इसमें? डेली आप प्रोडक्ट स्विच नहीं कर सकते, राइट? स्किन तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक्सटर्नली आप चीजें मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थोड़ा मॉइस्चराइजिंग, यू नो, फेस वॉश, क्रीम्स, सीरम्स, टोनर्स वगैरह लो जो मॉइस्चराइज करें। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है अभी, तो थोड़ा कुछ मैटिफाइंग, थोड़े ड्राइंग या ऑयल कंट्रोल चीजें लो। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, हाउ कैन यू फाइंड योर परफेक्ट थिंग? सो टुडे आई एम डूइंग वन फेस वॉश हॉल वीडियो विद रिवेरा नेचुरल्स, एंड हेयर आई हैव अ ब्यूटिफुल बॉक्स जिसमें आपके स्किन के मूड के हिसाब से, हर मूड स्विंग के हिसाब से एक प्रॉपर फेस वॉश है। नाउ व्हेन आई से दिस, मैं ये नहीं कह रही हूं कि डेली फेस वॉशेस बदलो, डेली कुछ सुबह कुछ शाम को कुछ, नो, दिस इज नॉट यू शुड डू। कुछ चीजें टाइमली चेंज होती है, जैसे नॉर्मली गर्मी में स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, सो ऑयल को कैसे कंट्रोल करना है? अगर आप उसमें और मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश डालते रहोगे तो वो ऑयल बढ़ता जाएगा, स्किन चिपचिपी रहेगी, स्वेटी रहेगी, एंड दिस इज नॉट यू वॉन्ट। सो एक क्लियर स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है द चॉइस ऑफ राइट सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, एंड सो लेट्स डू, लेट्स ओपन इट ऑल टुगेदर। सो वी हैव अ बंच ऑफ फोर फेस वॉशेज। नाउ दिस इज द ब्लूबेरी, दिस इज चारकोल, लेमन, एंड दिस इज स्ट्रॉबेरी। अब हर फेस वॉश बहुत प्यारा है, बहुत यूनिक है, एंड मुझे बड़े पसंद आए थे, इसलिए मैंने कहा एक हॉल वीडियो बनाते हैं ताकि सबको दिखा दूं। विल स्टार्ट विद द स्ट्रॉबेरी वन। नाउ दिस इज द बॉटल, दिस इज द ट्यूब दैट लुक्स लाइक स्ट्रॉबेरी फेस वॉश है। लेट्स चेक कि ये कितना क्या है इसमें। सो दिस है स्ट्रॉबेरी विद बियर बेरी एंड वाइटामिन ई। तो ये आपको जेंटली, बहुत जैसे ना डेली हल्का हल्का सा फेस वॉश करना है, रोज कुछ मिट्टी में नहीं जा रहे हैं, जैसे घर ही है, जस्ट लाइक अ रेगुलर फेस वॉश, यू कैन यूज दिस वन, बिकॉज ये आपको एक ग्लोइंग और रेडियंट स्किन देने में हेल्प करेगा। प्लस इस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हैं, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। प्लस दे आर फ्री फ्रॉम सिलिकॉन्स, पैराबेंस एंड SLS, एवरीथिंग सल्फेट, एवरीथिंग सेफ, ऐसा कुछ नहीं है इन प्रोडक्ट्स में, तो दीज आर लाइक सेफ टू यूज फॉर एवरी ह्यूमन। सो ये मैंने बताया स्ट्रॉबेरी वाला इज लाइक योर डेली जेंटल फेस वॉश, कि रोज स्मूथ होना है भाई दिन में दो बार, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपकी स्किन को एक ग्लो देगा, एक रेडियंस देगा, फाइन। नेक्स्ट वी हैव दिस लेमन वन। लेमन में है विद गूसबेरी एंड वाइटामिन ई। गूसबेरी अगर किसी को नहीं पता, डेट इज आंवला। सो आंवला भी खट्टा होता है, लेमन भी खट्टा होता है, वाइटामिन ई में बहुत सारा मॉइस्चर होता है। तो ये फेस वॉश है ऑयल बैलेंसिंग। कभी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होगी हो, या अभी गर्मी आ रही है, ठीक है, ऑयली स्किन बहुत कॉमन होती है, सो दिस इज योर गो टू फेस वॉश इन केस यू हैव एन ऑयली स्किन, या स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा है। अभी आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ब्राइट करेगा और क्लियर बनाएगा। देखो फेस वॉशेस की फिलॉसफी बहुत सिंपल है। अब आप बोलोगे यार चार पांच फेस वॉश उठा लाई, एक से भी तो चल जाता है, सबसे सब कुछ चल जाता है, लेकिन हाइड्रेशन के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट दिस थिंग डू, लेमन, एक बेसिक फिलॉसफी, नींबू से हम यूजुअली घरों में, बर्तनों में, कहीं भी नींबू से हम चिकनाई हटाते हैं, ठीक है, तो ये भी वही कर रहा है, आपके फेस से चिकनाई हटा रहा है। बट जब इतना चिकना हट गया तो स्किन मॉइस्चर लूज कर देगी, एंड टू रिटेन दैट इट हैज विटामिन ई, ताकि जो भी ऑयल के साथ मॉइस्चर गया वो रिटेन हो जाए और स्किन ऑयली ना हो बट मॉइस्चराइज रहे। कभी बहुत ज्यादा मिट्टी में घूम कर आओ तो यूज दिस चारकोल वन, इट हैज डिटॉक्सिफाइंग एंड डी प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज, और विद शुगर केन एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई। अब जितनी ज्यादा डस्ट होती है बाहर, उतनी ही स्किन एब्जॉर्ब करती है। अब स्किन को तुम्हें मिट्टी नहीं खिला रही ताकि पिंपल्स और एक्ने ना हो, सिंपल। तो वो मिट्टी जो आपकी स्किन में है, जो पोल्यूशन, डस्ट, पॉल्यूटेंट्स आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हुए हैं, उसे निकालने के लिए वी यूज द चारकोल वन। और लास्ट वन इज माई फेवरेट, विच इज ब्लूबेरी। इसकी फ्रेग्रेंस सबकी बहुत अच्छी है, बट मुझे ब्लूबेरी एंड स्ट्रॉबेरी, ऑब्वियसली वेरी फ्रूटी, वेरी जेंटल, बहुत पसंद आए। इट हैज ब्लूबेरी विद हनी एंड विटामिन ई। ये है स्किन रिवाइटलाइजिंग फेस वॉश। नाउ अब स्किन रिवाइटलाइजिंग क्या होता है? जब आप 20, 30 से 40 में कभी भी एज में होते हो, डेली आपकी स्किन शेड होती है, डेली आपकी
उम्र बढ़ती है, स्किन की उम्र बढ़ती है, विच इज अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस. नाउ व्हाट दिस विल डू, स्किन को सॉफ्ट रखता है, सप्पल रखता है, वो तो चलो करता ही है क्योंकि विटामिन ई एक प्राइमरी कंपोनेंट है सारे फेस वॉशेस में, ये तो होगा ही. लेकिन साथ साथ आपको एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी मिलती है विच मेक्स इट बेटर देन अदर्स. एंटी एजिंग क्रीम्स सीरम्स मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन आई बिलीव लाइक माई पर्सनल ओपिनियन इज फेस वॉशेस एंटी एजिंग और इन सब प्रॉपर्टीज को कम डील करते हैं. नाउ अगर आपका सारा काम एक फेस वॉश में हो ही गया तो व्हाट इज द नीड टू गेट यू नो मल्टीपल थिंग्स फॉर वन थिंग, राइट? सो दिस विल डू ऑल दोज थिंग्स फॉर यू. एंड दिस वॉज द मिनी हॉल फॉर ऑल दीज फेस वॉशेज फ्रॉम रिवेरा नेचुरल्स. अब करना क्या है, और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी डिटेल्स चाहिए, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इट हैज एवरीथिंग यू नीड. कुछ भी इश्यूज है, कुछ डिस्कस करना है, यू कैन ड्रॉप इन योर कॉमेंट्स, विल डिस्कस इट ऑल टूगेदर. और या आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दीज ऑन, मैंने ट्राई करे भी हैं काफी सारे एंड आई एम रियली एक्साइटेड. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. बाकी कुछ भी डिटेल्स चाहिए यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड आई एम लिविंग फॉर नाउ. और भूलना मत, जाने से पहले फेस वॉशेज लेके जाना, क्योंकि दीज आर सिलिकॉन पैराबेन एंड सल्फेट फ्री. प्लस पैकेजिंग देखो कितनी स्लीक है, लाइक वेरी स्लीक, 100 ml डिसेंट सी पैकेजिंग. और हर फेस वॉश की एक इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक है, इंडिविजुअलिटी है, तो वो दूसरे का काम नहीं कर सकता, सिंपल सी बात. तो विच मेक्स इट वेरी यूनिक, जैसे हर इंसान यूनिक होता है, योर फेस वॉश, योर मूड्स, इट शुड बी यूनिक. तो या दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई एम लिविंग फॉर नाउ. बाय बाय, टेक केयर एंड या होप सो यू आर डूइंग वेल एंड या बाय.